सलाम आदाब जय हिंद। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। तो आइए आज का सबक नंबर 12 है, इसे वक्त को जाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबक नंबर 12, इसके अंदर सबसे पहले इम्तिहान, इंतज़ाम, इख्तियार, इश्तिहार, एतबार, इंतज़ाम, मामला, मुकाबला, मुताला, मुआफ़िकत, मुलाकात, एहतियात, पंसारी, चपरासी, हलवाई, मुर्गाबी, सौदागर, भटियारा, शेरनी, तरकारी, आसान इम्तिहान, अच्छा इंतज़ाम, गहरी मुलाकात, पूरा इख्तियार, थोड़ा एतबार, सच्चा मुआमला, चपरासी का मुकाबला, सौदागर की मुलाकात, नीलाम का इश्तिहार, नीलामी का इश्तिहार भी बोल सकते हैं, पंसारी की दुकान, इम्तिहान करीब हैं, एहतियात से काम करो, पढ़ने का इंतज़ाम करो, पढ़ने से पहले मुताला करो, इश्तिहार में कीमत लिखी है, उनकी मुलाकात का इंतज़ाम करो, हलवाई से शीरनी, हलवाई ने शीरनी बनाई, तुमको इस मामले का इख्तियार है। तो देखा आपने, अभी कर अभी भी आपके जो है अल्फाज समझ में नहीं आते कि भाई ये अल्फाज कैसे लिखा गया, किस तरह बना। तो सबसे पहले आप उस लफ्ज़ पे गौर करिए कि वे लफ्ज़ कितने हरूफ से और क्या क्या हरूफ से मिलके बना है। जब आपको और आसानी हो जाएगी, और अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही, तो आप जो हमारी कायदे की वीडियो है वहाँ से आप सीख सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत बारीकी से सिखाया है, बहुत उसका दकीक मुताला करिए आप। देखिए सबसे पहले इम्तिहान है, अलिफ के साथ मीम मिलाएगा, इम ता के साथ हे, ता और हे के साथ अलिफ, इम्तिहा और फिर नून, इम्तिहान। आइए चलिए इसके अब अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। इस सबक के भी अल्फाज मानी नहीं है, तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।